Hi guys, welcome everyone. So about a week or 2 week ago, ये notification आ गई है CLAT की कि CLAT 2022 की भी date आ गई है जो कि 8th of May है और CLAT 2023 की भी date आ गई है. That's something जो हम लोगों ने expect नहीं करा था. और CLAT ये हर साल करता है, कुछ ना कुछ नए नए surprise के साथ आता रहता है. तो सही में this year, इस साल भी same वही चीज़ हो रही है. नई चीज़ आ रही है कि जो है CLAT का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 का, वो दिसंबर 18 को होने वाला है. सो देखो, मैंने हमेशा से बोला है CLAT एग्जाम ऐसा है कि हर बार कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम्स आएंगी, तो हमेशा रेडी रही है. हो सकता है कुछ बच्चे अभी भी इसमें से पढ़ाई कर रहे हो, आगे चल के हो सकता है ड्रॉप भी ले एक बार. तो मैं उनको ये भी बताना चाहूँगा कि आगे भी अगर आप ड्रॉप लोगे तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना. दिस हैपन्स एवरी ईयर, ये हर साल होता है. तो कुछ ना कुछ नई चीज़ होगी, कुछ ना कुछ नया काम होगा. और ये ध्यान रखिए कि नया काम सबके साथ होगा, प्रॉब्लम सबके साथ होगी, आपको डील करना है उसी हिसाब से. हर स्टूडेंट को डील करना है, ऐसा तो नहीं सिर्फ आपके साथ होने वाला है, तो सबके साथ होना है. तो आप सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो. तो कैसे हम मानते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप लोग बैक साइड पे हैं, बिकॉज आप लोग शायद अभी 11th क्लास में होंगे, क्लास 12th में एंट्री लेंगे, और उसके बाद जैसे एंट्री लेंगे उसे कुछ महीनों बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है. बट उनके लिए और प्रॉब्लम होने वाला है जो स्टूडेंट बाद में सोचेंगे CLAT 2023 के लिए, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, बिकॉज वो जब सोचते हैं उससे पहले ही एग्जाम होने वाला है. आप अपने हिसाब से बहुत टाइम पे हैं. आपने अगर अभी सोच लिया कि आप CLAT 2023 की प्रिपरेशन करने जाते हैं, आप तब भी टाइम पे, बिकॉज बहुत बच्चे बहुत बात सोचेंगे. मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत 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 लेट सोचते हैं, तो आप तब भी टाइम पे हैं. मोस्ट प्रोबेबली CLAT अब 2 times a ईयर होगा. ये देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर में क्लिपिंग है, ये रजिस्ट्रार हैं NLU जोधपुर की मैम है, इन्होंने ये शेयर भी करा था. तो मोस्ट प्रोबेबली अब NLU CLAT के एग्जाम 2 times a ईयर होंगे. दैट्स व्हाई हम लोग ये चेंजेस को देख रहे हैं सामने, जो हम लोग को दिख रहा है. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके पास अभी अराउंड ईयर समय है, पूरा 1 साल है, 12 महीने हैं. वाइल अगर ये हमारा 12 महीने का टाइम ना होता, अगर हमारा फुल CLAT जो मई होता है, अगर वो होता तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास तब भी 6 months एक्स्ट्रा होता है, वन ईयर एंड 6 months होते हैं. बट मैंने CLAT 2023 की स्ट्रैटेजी बताई थी, बट दिस इज अ CLAT 2023 स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर द 12 months, लास्ट 12 months आपके लिए बचे हैं. प्रिपरेशन की स्टार्टिंग के लिए कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा. सबसे पहले प्रिपरेशन की स्टार्टिंग पास्ट ईयर्स और मॉक के साथ स्टार्टिंग हमेशा करनी है. ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं. पास्ट ईयर्स मोस्ट प्रोबेबली आप कम से कम ईयर 2020-2021 और क्योंकि CLAT 2023 जब आप देंगे तो 2022 हो चुका होगा, उन तीनों के पेपर को आप सॉल्व कर चुके होंगे अच्छे से. थोड़ा बहुत टाइम है तो थोड़ा बहुत मॉक्स, पिछले मॉक देख लीजिए, बहुत सारी कोचिंग होंगी, फ्रेंड्स होंगे जो इन्होंने लास्ट ईयर CLAT की प्रिपरेशन करी होगी या उससे पहले CLAT 2020 वाली करी होगी, तो उनसे आप नोट्स ले लीजिए, उनसे मॉक्स ले लीजिए. तो मॉक्स से क्या होगा, और प्रैक्टिस अपनी बढ़ा लीजिएगा. जैसे मैंने बताया, पास्ट ईयर का बहुत बड़ा रोल है. पास्ट ईयर से ही पेपर बनते हैं, पास्ट ईयर से पैटर्न पता चलता है, पास्ट ईयर से सिलेबस का आइडिया लगता है, और पास्ट ईयर से बहुत चीज़ें रिपीट भी होती हैं. पास्ट ईयर का इतना बड़ा रोल है कि सिलेक्शन बहुत ज़्यादा डिसाइड हो जाता है, कितना स्कोर आने वाला है ये डिसाइड हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहेंगे कि मॉक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में. अगर 1 week में नहीं दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट 2 week में एक मॉक तो देना स्टार्ट ही कर दीजिए. चाहे आपका प्रिपरेशन हुई हो चाहे प्रिपरेशन ना हुई हो, प्रिपरेशन को आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी समझ लीजिए मॉक दीजिए. वो तो मॉक में अभी 10 marks है, 20 marks है, 30 marks है, मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए. मॉक बहुत सारी जगह अवेलेबल है, बट मैं आपको थोड़ा सा एक अच्छा ऑप्शन देना चाहता हूँ. उस वाल की ये मॉक टेस्ट सीरीज आती है, ये बुक आप देख सकते हैं, ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी. आपको यहाँ पे अबाउट CLAT और ये सब टिप ट्रिक्स स्ट्रेटजी सेशन सब कुछ मिलेगा. जो बुक है इसका पर मॉक 30-35 rupees मिलता है, वो भी ऑफलाइन, बिकॉज आपका एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है. 15 mock की ये सीरीज है जो आपको मिलेगी. वाइल आप ओरिजिनली आप मार्केट में कहीं भी लेंगे तो ये आपको मॉक सीरीज मिलेगी अराउंड 150-200 पर मॉक, वो भी ऑनलाइन में मिलेगी. एवरी वीक एटलीस्ट 1 mock संडे को 2-4 के बीच में इस 2 hours के स्लॉट में आराम से एक मॉक दीजिए. सो गाइस, बुक की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, अब जाके परचेज कर सकते हैं. पास ईयर मॉक से स्टार्टिंग तो कर देंगे, बट अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज हमें प्लानिंग कैसे करनी है. देखिए, सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज CLAT में सिलेबस सब्जेक्ट सब कुछ सामने आपके है. आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सारा सिलेबस दे सकते हैं जो कि CLAT कंसोर्शियम वेबसाइट पर है. अब देखिए, हर सब्जेक्ट की अपनी स्ट्रेटजी होती है. अगर GK है तो GK पढ़ने का हमारा जो मेन स्ट्रेटजी होगी वो कि ये न्यूज़पेपर पढ़ेंगे हम लोग. मोस्टली आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, वह इनिशियली स्टार्टिंग आप द इंडियन एक्सप्रेस से कर सकते हैं, वाइल द हिंदू फिर जंप कर सकते हैं. एक न्यूज़पेपर पकड़ेंगे, साथ में GK टुडे जैसी कोई एक वेबसाइट को पकड़ लेंगे जो आप रेगुलर रोज सुबह 10 बजे फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे. इससे फ़ायदा क्या रहा होगा कि आप लगातार करंट अफेयर के क्वेश्चंस रियल क्वेश्चन से भी देख रहे हैं बार बार, और साथ में जो करंट इश्यूज हैं जो आप एवरीडे
आप अपने एडिटोरियल में पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए न्यूज़ पेपर पढ़ जाना है कि सिर्फ जीके का रीज़न नहीं है, द अदर रीज़न फॉर रीडिंग द न्यूज़ पेपर इज द रीडिंग स्पीड। रीडिंग स्पीड जितनी ज़्यादा आपकी बढ़ेगी उतना ज़्यादा सिलेक्शन चांसेस है। क्लैट पहले कुछ और होता था, 2019 में क्लैट दूसरा होता था, अब जो क्लैट होता है वो सिर्फ रीडिंग बेस हो गया है। पहले भी रीडिंग का बहुत बड़ा रोल था, बट अब रीडिंग का इतना बड़ा रोल है कि अगर रीडिंग नहीं आती, रीडिंग स्किमिंग स्पीड सब कुछ नहीं है आपके पास, तो क्लैट में सिलेक्शन नहीं होगा। तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है रीडिंग का, न्यूज़पेपर एवरी डे रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। इंग्लिश को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, आखिर इंग्लिश मैंने बताया कि रीडिंग स्पीड इंपॉर्टेंट है, तो रीडिंग स्पीड के लिए आप रेगुलर रीडिंग हैबिट में आ जाइए। साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करेंगे, प्रैक्टिस करिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बहुत सारे ऑनलाइन या आप जिस कोचिंग में अगर इनरोल्ड हैं, तो सबसे पहले अपने कोचिंग के सारे मटेरियल्स को एग्जॉस्ट कर डालिए, दो से तीन बार सबको रिवाइज कर डालिए। छोटा कंटेंट होगा, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, हर एग्जाम में यही सक्सेस की स्ट्रैटेजी है। 10 सोर्स पर नहीं आना, एक सोर्स को पकड़ के ख़त्म कर देना है और उसको 4 से 5, 6, 7 बार रिवाइज कर डालना है। जो इस स्टडीज करता है ना वो बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि क्लैट इस तरह का एग्ज़ाम है, क्लैट इस तरह का एग्ज़ाम है कि आपको इसी तरह वर्क करना पड़ेगा। आप समझ गए कि इंग्लिश के लिए बाद में क्या लेवल एडवांस लेवल जाना है, वो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि एडवांस लेवल कौन सी बुक आपको रेफर करनी पड़ेगी। साथ में आप रेन एंड मार्टिन जो क्लास 10 हाई स्कूल लेवल की होती है उनको रेफर करना स्टार्ट कर दीजिए। ग्रामर और इन सब चीज़ों पे आपका कमांड धीरे धीरे बनता रहेगा, जो के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दी नेक्स्ट पॉइंट इज, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई ये रीजनिंग क्या करे और इसका क्या करे, जो हमारी CR है, AR है, CR AR की कोई दिक्कत नहीं है। RS अग्रवाल की बुक आती है, CR और AR दोनों का कंपैरिजन होता है, उस बुक को लीजिए, टोटल CR और AR ख़त्म कर डालिए। CR AR के इतने मटेरियल आपको गूगल वेबसाइट से मिल जाएंगे, आप वहाँ से कवर कर लिए। अगर बुक चाहिए, अगर आप ऑफलाइन रिपेयर कर रहे हैं, अगर कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगा उस बुक का आप ले लीजिए, अदरवाइज कोचिंग का मटेरियल पहले ख़त्म करिए आप। दे नेक्स्ट पॉइंट इज कि कुछ फ्रेंड्स कह रहे हैं भैया मैथ्स के कैसे, क्वांट का कैसे करें, तो क्वांट की बुक आती है RS अग्रवाल की, वो भी आप ले सकते हैं, वाइल पहले मैं कोचिंग का मटेरियल खत्म करने का बोलूंगा। इस तरह से टोटल हम लोग सब्जेक्ट कवर करेंगे, जब ऐसे सब्जेक्ट कवर करेंगे तो चीज़ें हमारी लगातार कवर होती रहेंगी। पहले के हम लोग को मंथ्स में, हमारे पास 1 ईयर का टाइम है, तो एटलीस्ट 6 टू 7 मंथ्स हमें क्या करना है, हमें पूरा ध्यान अपनी लर्निंग से फोकस करना है। सबसे पहले लॉ के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। अगर आप सोचें सिर्फ प्रिपेयर करते जाएंगे पढ़ते जाएंगे और फिर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो ये भी प्रॉब्लम कर रहा है। तो प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और लगभग स्टार्टिंग के 7 to 8 months मैं तो बोलूँगा आप अभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करिए, लगातार GK पढ़िए, GK के लगातार टच में रहिए। तो इन सब चीज़ों के टच में रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। एवरी डे आप अभी 3 to 4 hours, 5 hours दीजिए, अभी आपके पास टाइम ज़्यादा है। मैं तो बोलूँगा 5 hours, 6 hours जितना दे पाएँ बिल्कुल लीजिए। मोस्ट वाली जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो आगे चल के 12th में जाने वाले हैं, और आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो ऐसे थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे तो ज़्यादा आगे आप निकल सकते हैं। और अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा आप कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको मेंटोरशिप मिलेगी, वहाँ से आपको हमेशा लगातार मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं तो बोलूँगा इन सब चीज़ों के साथ लगातार वर्क करिए, लगातार वर्क करते रहिए और प्लान करिए। लास्ट के 1 month हमारा रिवीजन का रहेगा, 1 से 2 months हमारा रिवीजन का, बिकॉज आप जो लास्ट के 8 months पढ़ेंगे वो आखिर दिमाग में रहता नहीं है ना, ये सब चीज़ें कौन से दिमाग से चले जाते हैं, तो हमें दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। और रेगुलर हर 1 month और 1.5 months में हमें रेगुलर रिवीजन में सीरीज़ में लगानी पड़ेगी। हर 1, 1.5 और 2 months में एक रिवीजन वीक रखिए, पूरा वीक रिवीजन ही रखिए, और ये पूरा वीक जाएगा अगर आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। आई होप ये वीडियो क्लैट 2023 स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा, और अगर हेल्पफुल है वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप, हर जगह शेयर कर दीजिए। एंड आई होप कि आपका अच्छे सिलेक्शन हो, टाइम कम है बट सबके लिए कम है, आप अभी भी निकाल सकते हो, आगे बस सब कुछ है, बस लग जाइए और करके दिखाइए। थैंक यू गाइज, दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMN NLU, साइनिंग ऑफ।